नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था, सोशल वर्क का जो हमारा UGC नेट का सिलेबस है, उसके फर्स्ट यूनिट से हमने सोशल वर्क के डेफिनेशन, स्कोप, गोल्स और बाकी चीज़ों के बारे में बात की थी। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम इसको आगे स्लाइड में देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर एंड डेवलपमेंट के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसमें हम जो सोशल वर्क का डेवलपमेंट हुआ है यूके, यूएसए और इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें हम आज यूके और यूएसए के यूएसए में जो डेवलपमेंट हुआ है सोशल वर्क का, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सोशल वर्क का जो इतिहास रहा है यूनाइटेड किंगडम, यूके में, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा जो समाज रहा है वो शुरुआती तौर पे एक आदिम समाज रहा है और धीरे धीरे ये एक लोक समाज के रूप में विकसित हुआ है। इससे पहले हमारे समाज में जो मतलब जो पहला हम देखेंगे, पुराने समय की बात देखेंगे, तो उस टाइम पे बड़ी फैमिली हुआ करती थी और ट्राइब्स हुआ करते थे, इस तरीके की चीजें हुआ करती थी, जिनका एक अपना तरीका था, अपना कल्चर था, उस तरीके से सारी चीजें होती थी। और आगे चल के धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और धीरे धीरे बदलाव के कारण जो हमने देखा कि पहले जो एक परिवार में रहते थे, धीरे धीरे परिवारों का आकार बदलता गया, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनका जो नाते रिश्तेदार था, उनका बिल्कुल ही एक संरचना में बदलाव आता गया। और धीरे धीरे ये सारी चीजें बदलाव के साथ एक नए तरीके से विकसित हुई, जिसमें हमने देखा है कि सामंती व्यवस्था का जो एक जो सिस्टम आया, वो चीज उसने अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, उसके लिए जब उसके उस समस्या इसके साथ जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं का कैसे समाधान होगा, क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा है, जाना है। कैसे ये जो सामंती व्यवस्था थी और लोगों के बीच में जो असमानता थी, उसने कैसे पूरे समाज में नए नए समस्याओं को उत्पन्न किया, फिर उसकी वजह से बाकी चीजें जो जैसे बेगरी जो है वो आई, और फिर धीरे धीरे उसके लिए लॉ बने कि कैसे इन जो गरीब हैं, जो जो जिनको हेल्प की जरूरत है, कैसे उनकी हेल्प की जाए और कैसे इस व्यवस्था से निकला जाए। तो ये सारी चीजें जो थी, इससे शुरुआत हुई थी यूके में सोशल वर्क की। इसी से मतलब इन समस्याओं को देखते हुए धीरे धीरे जो लॉ आए थे उस पर बेस्ड बाकी चीजें आपकी देखी गई। तो चलिए आगे चलते हैं। जो अगर हम बात करें यूके में सबसे पहले जो एक खास तौर से अगर हम बात करें, वो यूके हो चाहे अन्य देश हो, जब भी हमने देखा है, एक चीज देखी है हमने कि जो ये सोशल वर्क शुरू हुआ है, उसका शुरुआत एक चैरिटेबल इनिशिएटिव के तौर पे हुआ है। जैसे कि हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि हमारे पुराने समय में और अभी भी देखा जाए तो दान पुण्य करना एक अच्छी बात मानी जाती थी। लोगों का मानना था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में जो उनके जो कर्म है वो अच्छे होंगे, तो आगे वो उनके लिए भविष्य में उनके लिए अच्छे फल देंगे या जो भी चीजें होंगी। तो जो चैरिटेबल इनिशिएटिव था ये चर्च की तरफ से, ऐसे में चर्च जो है वो अलग अलग तरीके से अपने जो सामाजिक समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, जो ये सारी जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, जैसे कि भोजन हो गया, घर हो गया, कपड़ा, ये सारी चीजें, जैसे कि जो एक बेसिक नीड होती है, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग और फाइनेंशियल जो सपोर्ट चाहिए था, वो सारी चीजें चर्च प्रोवाइड करता था। और ये अपने अलग अलग इनिशिएटिव इसके लिए इन्होंने अपने शुरू किए हुए थे। और इनका जो मेन मोटिवेशन था इस चैरिटी का, वो धर्म था, रिलीजन, ठीक है। इसके बाद ये चीजें जब चेंज हुई तो धीरे धीरे इसका जो एक विकास हुआ वो इस तरीके से हुआ कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था के रूप में विकसित हुआ।
अब जो था यहाँ पे कि हम देख पा रहे हैं कि जो चर्च था उसकी जो पावर थी, क्योंकि हमें पता है जो हमने अभी आपने अगर पढ़ा होगा जाना होगा तो पहले चर्च का जो दबाव था सोसाइटी पे, जो पकड़ थी वो ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर जो जागरूकता आई, जो नए नए विकास हुए है ना, रेनेसा हुआ, ये सारी चीजें जो हुई उसके बाद क्या हुआ कि जो चर्च का जो पावर था, जो लोगों का एक अंधविश्वास था कुछ चीजों को लेकर, वो खत्म हुआ विज्ञान की सहायता से। तो धीरे धीरे इसमें कमी आई और फिर जो गवर्नमेंट है, जो जो राज्य है, वो यहाँ पे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ गई और धीरे धीरे उसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और जो ये सारी चीजें थी, प्रोग्राम्स थे, वो धीरे धीरे डेवलप किए गए, नए लॉ बनाए गए जिससे कि लोगों को सोसाइटी का मतलब समाज का कल्याण किया जा सके। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें आई जिसमें एक जो खास हम देखते हैं इसमें एलिजाबेथ पुअर लॉ जो 1601 में आया था, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा समाज कल्याण और समाज कार्य के क्षेत्र में, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई नई चीजों की। लोगों का जो नजरिया था बदला, जो समस्याएं थी उनको कैसे खत्म किया जाए और जो सच में जरूरतमंद है, क्योंकि ये एक चीज एक देखी गई थी कि जो जरूरतमंद थे वो तो आ ही रहते हैं, बाकी जो जिनको जरूरत नहीं थी, जो खुद से काम कर सकते थे, कमा सकते थे, वो भी भीख या इस तरीके से जो असिस्टेंट था वो लेते थे, वो मतलब मेहनत नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे में एलिजाबेथ पुअर लॉ आया, तो इसका जो ये जो पुअर लॉ आया था, ये जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी क्वीन, उनके टाइम पे आया था और इसका मेन यही मोटिव था कि पुअर और जो जो मतलब कि जो हेल्पलेस लोग हैं उनको कैसे रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, उनको कैसे सोशल ऑर्डर के अंतर्गत ले आया जाए, वो क्योंकि वो जो मेन धारा है उससे अलग हो जा रहे थे, तो उनको कैसे ये सारी चीजें हेल्प करके उनको इस तरीके से सपोर्ट किया जाए कि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। और इसके लिए अलग अलग जो थे लॉ के अंतर्गत अलग अलग चीजें बनाई गई कि किसे क्या किस तरीके से करना होगा, और ऐसे में जो लोकल पार्सेस होते थे उनको वहाँ पे उस टाइम पे जो जिला होता था, जिला कह सकते हैं, वो जो संस्थाएं होती थी उनको दिया जाता था ये सारी चीजें करने के लिए कि वो इस पे काम करें। और ये अब हेल्प करना है किसी का तो हेल्प करने के लिए उन्हें उन्हें भी तो चाहिए होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, फंड चाहिए होगा। तो ये जो होते थे पार्सेस जो होते थे वो क्या करते थे, वो जो लोकल जो लोग हैं, जो मतलब जो पुअर पुअर के अलावा जो बाकी लोग हैं, जो टैक्सेस टैक्सेस वगैरह पे करने के लिए जो सामंत है बाकी हैं, उनसे ये टैक्स कलेक्ट करना, ये फंड रिलीफ के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ना जो कि फंड दे सके इन सब चीजों के लिए, उनसे बात करना और बाकी चीजें कनेक्ट करना, कलेक्शन का काम, ये सारी चीजें ये संस्थाएं करती थी। चलिए आगे बात करते हैं हम और इसके बारे में डिटेल में। तो जो ये पुअर लॉ आया था इसके अंतर्गत जो तीन तरीके के जो गरीब थे उनको बांटा गया था, क्योंकि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसका फायदा जो भी असिस्टेंट मिलता था उसका फायदा जो जरूरतमंद है उनको कम कई बार मिलता था, और कई बार क्या होता था जो लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, जो काम कर सकते हैं, जिनको जरूरत नहीं है कि उनको असिस्टेंट दी जाए, वो खुद से कमा खा सकते हैं फिर भी वो इसका फायदा उठा देते हैं। तो इस पुअर लॉ में इस चीज को क्लासिफाई कर दिया गया कि भाई आप जिस तरीके से आप जिस कैटेगरी में आएंगे, ये सारी चीजें डिस्कस देखने के बाद ही आपको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें जो एक सबसे पहला हम देखेंगे ये है इम्पोर्टेंट पुअर। तो इस कैटेगरी में वो लोग आते थे जो कि डिजर्विंग थे असिस्टेंस के लिए, मतलब जिनको कि कुछ ऐसे फैक्टर्स थे इनसे चेक किया जाता था कि इनको किस बेसिस पे इनको सपोर्ट या असिस्टेंट दिया जाएगा। तो वो या तो बुजुर्ग होंगे, या तो वो डिसेबल होंगे, या ऐसे लोग होंगे जिनको कि फुल टाइम वो अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ऐसे में उनको हेल्प दी जाएगी। एलिजिबल वही लोग एलिजिबल होंगे, वही डिजर्विंग होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पुअर में आ गए। इसके बाद जो आते हैं वो है एबल बॉडी पुअर। ये ऐसे लोग होते थे जो हट्टे कट्टे, जैसे स्टडी बेगर्स, जो हट्टे कट्टे लोग होते थे फिर भी वो भीख मांगते थे, वो काम नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को करेक्शन हाउस या वर्क हाउस में रखा जाता था कि वो वहां पे काम करें अपना, और जो भी अपनी आजीविका है उसको चलाए, उनको वहां पे काम करने की जरूरत है। और ऐसा जो लोग नहीं करते थे,
जो लोग ये काम करने के लिए तैयार नहीं थे उनको करेक्शन के लिए जेल में डाल दिया जाता था। मतलब कि अगर आप कमा खा नहीं सकते हैं, वो आपके आलस के कारण हो या आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, ये आपकी परेशानी है, मतलब ये आपकी लापरवाही है, आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, फिर भी आप बैठे बैठे खाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को ये चीज थी एबल बॉडीड पुअर के लिए। एबल बॉडीड बॉडीड का मतलब ये समझ जा रहे हैं कि जो मतलब एबल है वो कर सकते हैं, है ना। स्टडी बेगर्स मतलब कि जो कि शरीर शारीरिक रूप से मजबूत भिखारी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि ऑर्फन थे, मतलब कि जो कि कह सकते हैं जिनका कोई नहीं था, जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था, या ऐसे बच्चे जो कि जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब थे, मतलब माता पिता बहुत गरीब थे, वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते थे। तो ऐसे बच्चों को, वो जो भी बच्चे होंगे 8 ईयर्स या उससे रिलेटेड जो भी, उनको जो डोमेस्टिक काम या फिर ऐसे कुछ छोटे मोटे काम दिलाए जाते थे जिसमें उनको हार्म ना पहुंचे और वो अपना हेल्प कर सकें, और इनको इनको या तो उनके रिश्तेदारों या ऑर्फेन हाउसेज में रहने के लिए व्यवस्था की जाती थी। तो ये तीन जो है, इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेट के एग्जाम में अगर आप देखें तो ये आ सकता है पूछ के कि एलिजिबल पुअर लॉ के तीन कौन से पुअर्स को, कि तीन क्लासिफिकेशन क्या है, या फिर इम्पोर्टेंट पुअर को मैचिंग करना होगा, आपको मैच करने वाला आता है कि किससे रिलेटेड है, एबल बॉडी किससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आप अगर समझे रहेंगे, आ सकता है कि जैसे एबल बॉडी दे देगा, इम्पोर्टेंट पुअर दे देगा और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, फिर उसके बाद दे देगा वर्क हाउस, करेक्शन हाउस, या फिर ऐसे दे देगा कि एलम हाउस। तो इसमें आपको मिलाना होता है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो ये चीजें आप जरा देख लीजिएगा जब भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी पुअर लॉ, इसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था बाद में। बाकी के जो भी जो जो भी लॉज बनते थे या जो भी पॉलिसीज बनती थी उनमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि इसने एक तरीके से एक रास्ता खोल दिया सही तरीके का कि क्या कैसे हो सकता है। इसके बाद इसका रिवीजन भी हुआ था पुअर लॉ का 1834 और 1909 में, तो पार्लियामेंट्री कमीशन ने प्रेजेंट किया था। और उसके बाद जो लॉ था उसमें तीन चीजें देखने को, तीन प्रिंसिपल जोड़े गए। एक था डॉक्ट्रिन लिस्ट एलिजिबिलिटी, रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्कआउट टेस्ट एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये तीनों चीजें इसमें जोड़ दी गई थी। तो आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपका, बेवरेज रिपोर्ट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए इसकी जानकारी होनी भी जरूरत है, क्योंकि ये यूके में इसने बहुत मतलब जो चेंजेस आए और उसके बाद जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट और सारी चीजें आई वो इसके बाद ही देखने को मिलती है। तो ये सर बेवरिज थे, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो कि 1942 में इन्होंने की थी। 1942 में आपकी ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है। इसका सन याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है। और इसका जो टाइटल था, टाइटल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज, ये इनके रिपोर्ट का टाइटल था। तो ये जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, इन्होंने इसके बारे में जो इन्होंने कहा था कि समाज में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, इन्होंने फाइव जाइंट्स का भी एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि पांच से कौन से ऐसे जाइंट्स हैं जो कि समाज को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। और इन्होंने जो इनका जो रिपोर्ट आया था इसके बाद, इसको हम कह सकते हैं ये एक लैंडमार्क था सोशल पॉलिसी के लिए, है ना। जैसे कि हमने बताया कि इसके बाद ही वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उस पे, इसी मॉडल पे जो डेवलप हुआ, मॉडर्न जो वेलफेयर स्टेट है इसी पे उसका डेवलपमेंट हुआ था। इस रिपोर्ट में जो चार चीजें, चार प्रिंसिपल कह सकते हैं जिस पर जोर दिया था बेवरीज ने, उन्होंने कहा था कि जो जो सभी सिटीजन है उनको कवर किया जाए, मतलब कि जो भी पॉलिसीज या जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज या जो भी चीजें आ रही, प्रोग्राम आ रही, उसमें सबको कवर किया जाए।
और यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो मेजर रिस्क है जो अर्निंग पावर को इफेक्ट करते हैं, मतलब कि इंसान नौकरी करने में मतलब पैसा कमाने में या उसकी आजीविका चलाने में उसे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है मेजर तरीके से, तो वो एक बीमारी है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी है, एक्सीडेंट है, और वृद्ध वृद्ध लोग जो होते हैं वो फिर नहीं कर पाते हैं ना जॉब क्योंकि उनका वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं। इसके अलावा विडोहुड है, मतलब जो विधवा है उनके लिए वो चीज़ें नहीं होती हैं कि उनको जाके मौका मिले कि वो बाहर काम कर सके। मैटरनिटी जो इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड सिंगल इंश्योरेंस की इन्होंने बात की कि इनके लिए एक सिंगल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था क्योंकि ये सारी जो समस्याएं हैं लोगों के लिए दिक्कत है, तो इनको एक इंश्योरेंस के तहत रखा जाए कि इनको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और सबके लिए कंट्रीब्यूशन की बात की कि सबको एक अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, है ना। इसके अलावा फ्लैट रेट की क्वालिफाई कर रहे हैं जो लोग, उनको हम उस तरीके से बेनिफिट दें, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है कि अपना बेनिफिट उठा रहा है, जो जरूरत है मंद है उनको बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। इसके आगे हम 5 जायंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 5 जायंट्स के बारे में बात करते हैं हम। ये सर बेवरीज ने 5 जायंट बताए थे जिनमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि ये 5 जायंट्स ऐसे हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैच कराने वाला आ सकता है जिसमें आपको ऑप्शंस दे देते हैं उनको मैच कराना होता है, या इसमें से कौन से जायंट्स हैं जो इसमें जो बेवरीज ने दिए थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और इससे क्वेश्चन लगभग हर मतलब हर साल हर शिफ्ट मतलब कि हर एग्जाम में जो नेट का होता है उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें सबसे पहला जो उन्होंने बताया था वॉन्ट, वॉन्ट मतलब कि जो जरूरत है इसका एक पॉवर्टी इसको कह सकते हैं गरीबी। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो गरीबी है वो बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो उनकी बाकी चीजें हैं वो बहुत अफेक्ट करती हैं, इसकी वजह से बाकी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसे सोशल इंश्योरेंस स्कीम दिए जाए जिससे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए जब व्यक्ति अनएम्प्लॉय हो जाता है या बीमार पड़ जाता है या रिटायरमेंट के बाद जब वो मतलब कि एबल नहीं है, तो उनके लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक असिस्टेंस देना चाहिए। तो ये वॉन्ट या पॉवर्टी की बात की गई थी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज उन्होंने बताई थी डिजीज मतलब बीमारी, उनका कहना था कि जो डिजीज है बीमारी है उसकी वजह से लोगों का जो अर्निंग पावर है वो अफेक्ट होता है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इंसान एक तरफ इंसान जॉब नहीं कर सकता है और दूसरी तरफ वो जो बीमारी है उसका जो खर्चा होगा वो कैसे वो उठाएगा। तो ऐसे में इन्होंने ये कहा था कि इसे टैकल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं होगा कि वो हर बीमारी से जूझ सके, तो ऐसे में पब्लिक हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि जो भी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनको हम इस तरीके से बनाएं या ऐसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएं जो सबको मिल पाए, सबके लिए एक्सेसिबल हो, हर सिटीजन को वो फायदा मिल सके जिससे वो इस बीमारी के दौर में वो इससे परेशान ना हो कि वो खर्चा कैसे उठाएगा और क्या चीजें करेगा, तो वो इसके लिए वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का अर्थ अर्थ यहाँ पे है कि अज्ञानता, मतलब कि ज्ञान की कमी कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, अशिक्षा कह सकते हैं इसको। तो इन्होंने कहा था कि अशिक्षा जो है कि वो बहुत बड़ा कारण है कि जो कि समाज में समस्या उत्पन्न करता है। अशिक्षित व्यक्ति रहेगा तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, उसके पास अगर स्किल नहीं होगी तो वो समाज में अगर उसे कुछ जॉब चाहिए नौकरी चाहिए या कुछ वो अपना खुद का करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस चीज के लिए एबल नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो इस अज्ञानता को कम करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको थोड़ा अच्छा किया जाए, उसको मतलब कि सबको शिक्षा समान रूप से शिक्षा मिल सके, स्किल सबके डेवलप हो सके, ऐसे में ताकि उनका जो सामाजिक और आर्थिक विकास है वो बढ़ सके। तो ऐसे में इस व्यवस्था को अच्छा करने की जरूरत है, यहाँ पे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। इसके बाद जो आया था
चौथा जो इनका था कि स्क्वायरल, मतलब इसको कह सकते हैं, मतलब पुअर हाउसिंग कंडीशन, जैसे कि लोगों के रहने के लिए जो समस्या है कि कई बार ऐसा आपने देखा होगा जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, बस्तियां होती हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी जगह पे कितने सारे लोग रहते हैं और उनके साथ कितनी समस्याएं होती हैं। समस्या इन द सेंस कि वहां पे आप देखेंगे आपको गंदगी मिलेगी, एक एक वॉशरूम है उसमें मतलब अनगिनत लोग जा रहे हैं जहाँ पे सफाई नहीं है, गंदगी है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होंगी, बहुत सारी समस्याएं और भी होंगी, ऐसे में क्राइम्स बढ़ेंगे क्योंकि वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं समाज को, लोगों का जो रहन सहन का स्तर है वो गिर जाता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम इम्प्रूव करें हाउसिंग कंडीशन को कि कुछ ऐसे मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर ऐसे कुछ हाउसिंग हाउसिंग जो डेवलपमेंट है इस तरीके से करें कि सबके लिए अफोर्डेबल हो, वो कहीं ऐसे झुग्गी झोपड़ी में ना रखे, वो अफोर्ड कर सके अपना, कुछ कुछ सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिससे लोग एक अच्छे घर में मतलब कि एक अच्छी साफ सुथरी जगह पर रह पाए। तो इस चीज को कैसे और बढ़िया और डिसेंट तरीके से किया जा सके, इस पे उन्होंने कहा कि इस पे जोर देने की जरूरत है। इसके बाद आता है आइडलनेस, जिसको आलस्य कहेंगे, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट से देखते हैं, जैसे कि बहुत जगहों पे है कि व्यक्ति व्यक्ति का जो आर्थिक या सामाजिक स्तर जो गिर जाता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी। जब इंसान के पास नौकरी नहीं होगी तो वो आजीविका नहीं कमा सकेगा, तो ऐसे में उसकी जो जो लाइफस्टाइल है, सोशल वेलबींग है, वो गिर जाएगी। तो इस चीज को सुधारने के लिए इन्होंने कहा कि जितना हो सके लोगों को नौकरी के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके जिससे वो अपना जो एक फुल एम्प्लॉयमेंट है वो पा सके। और तभी ये होगा अगर जब समाज के सभी लोग अपना अपना जॉब कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव होंगे, तो वो अपना तो विकास कर रहे होंगे, साथ ही साथ वो समाज का या फिर राज्य का भी कल्याण कर रहे होंगे क्योंकि वो जॉब करेंगे, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कहीं ना कहीं इनकम को बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, जो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है लोगों को तो बाकी सारी चीजें भी अपनी सही हो जाएंगी। तो इन सभी जाइंट्स को अगर डील कर लिया जाता है तो समाज में एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है और समस्याओं का समाधान हो सकता है, और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम गरीबी खत्म कर देते हैं, गरीबी नहीं रहेगी तो इंसान बाकी चीजों से डील कर पाएगा, जो जरूरतें उसकी पूरी हो जाएंगी तो वो बाकी चीजों से डील कर पाएगा। तो ये पांचों चीजें जो हैं आपने देख लिया, ये पांच जाइंट है, इनको याद रखिएगा, वॉन्ट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वेरल और आइडलनेस। ये पांचों चीजें जो हैं, बेबरिज ने इसे दिया था, ये फाइव जाइंट्स कहे जाते हैं, फाइव जाइंट्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इन पांच जाइंट को रिकमेंड, जो पांच जाइंट्स थे इनको कैसे खत्म किया जाए और ये हमारे लिए मतलब समाज के लिए कितना हानिकारक है, ये सारी चीजें जो थी बेवरेज ने अपने रिपोर्ट में सबमिट की और उन्होंने कहा कि इस पे अगर काम करेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सोशल रिफॉर्म के तरीके से काम करना होगा और इन सब चीजों को, इन चैलेंजेस को बराबर तरीके से और सबको लेकर चलना होगा, हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने रिपोर्ट में कही थी। इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो मूवमेंट आया था वो था चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी जो सबसे पहले लंदन में स्टैब्लिश की गई थी 1859 में। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी वो सबसे पहले कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, तो आप बता दीजिएगा लंदन, और कौन से साल में, तो 1869। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसमें जो इसका जो कहेंगे एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो कहेंगे इसकी शुरुआत जिन्होंने की वो थे ऑक्टेविया हिल और सैम्यूल बर्नेट, इन दोनों ने मिलकर ये हाउसिंग रिफॉर्मर के तौर पे ये आए, इन्होंने काम किया
और इसमें जो ऑक्टिविया हिल थी, इन्होंने एक सिस्टम जो कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंडली रेंट कलेक्शन का, कलेक्टिंग एज अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्लम हाउसिंग। इसमें क्या था कि जो जैसे कि इन्होंने क्या किया था कि उस कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चों को, बच्चों के साथ इन्होंने काम शुरू किया था। इन्होंने क्या किया कि उन्हें बोला कि वो जाएं और जो स्लम हाउस में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एज अ वॉलंटियर ये काम करे, जाके उनके साथ ये देखे कि उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, उनके घरों पे जाएं, उनकी जानकारी लें कि उन्हें क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो इससे इन्होंने कहा कि जो ऊंचे ऊंचे जो समाज में जो मतलब कि जो लोग भरपूर मतलब जिनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लोग परिपूर्ण है हर चीज से, वो जाके अगर देखेंगे कि जो लोग बुरे कंडीशन में है वो कैसे रह रहे हैं, तो वो उसमें हेल्प कर पाएंगे और एक तरीके से उनके अंदर एक एक एम्पैथी जागेगी। वो जानेंगे कि बाकी जो समाज में समस्याएं हैं उनको भी जानना होगा उन्हें, वो सिर्फ वो एकेडमिक तौर पे ना पढ़े, उसको जाके वो देखे समझे कि ग्राउंड लेवल पे चीजें क्या है। तो इन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद जो कहा जाता है कि टिविया हिल जो थी उनके बारे में ये था कि उन्होंने ये इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कि कभी भी किसी एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, आप तो उसको सेम दूसरे व्यक्ति से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई एक व्यक्ति है, आपको लगता है कि ये सेम ही है, कि इसकी समस्या सेम है, कोई प्रॉब्लम है उसके पीछे का कारण जो है कि अगर कोई एक इंसान है ए और दूसरा इंसान है बी, तो अब ऐसा नहीं होगा कि अगर प्रॉब्लम सेम है, अगर इनकी समस्या कोई एक है तो इसके पीछे का कारण भी एक होगा, है ना। हो सकता है इनका कारण कुछ और हो, इनका कारण कुछ और हो। मान लीजिए अगर किसी को डिप्रेशन है तो हो सकता है इन्होंने अपनी जॉब खोई होगी, इन्हें जॉब लॉस हुआ होगा, और ये हो सकता है जो भी है इनके डिप्रेशन का कारण होगा कि इन्होंने इनका कोई पर्सनल रिलेशन किसी से खराब हो गया होगा, है ना, या फैमिली कंडीशन कोई होगी, तो ये डिपेंड करता। तो इन्होंने कहा कि सबको अलग तरीके से देखना चाहिए और सबको देखने का तरीका आपका अलग होना चाहिए, और किसी को उसके पर्सनल स्टैंडर्ड पे, मान लीजिए इनका ये इनके पास पैसे हैं, ये अमीर आदमी है, और ये है जो ये मतलब बिलो पॉवर्टी से आते हैं, तो ये नहीं है कि आपको इनकी कोई समस्या है तो आप इनको अलग तरीके से, अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे और इनसे आप रूडली बात करेंगे, या इनके आप कहेंगे कि ये तो अपना कंडीशन ही नहीं सुधारना चाहते हैं, इस वजह से इस तरीके से ट्रीट नहीं करता है आपको, है ना। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था हेल्प विदाउट एलम्स का, मतलब इनका कहना था कि लोगों को आपको पैसा और सामान देके उनकी हेल्प नहीं करनी है, बल्कि आपको उनको एबल बनाना है कि वो अपनी हेल्प खुद कर सके, उनके अंदर वो चीजें डेवलप करनी है। तो इन्होंने ये कहा था कि हेल्प विदाउट एलम्स, क्योंकि इंसान को जब हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और उन्हें पता है कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, तो वो चीज जो उनकी डेवलप होती है वो अलग तरीके से होती है, वो एक मतलब हेल्प सीकिंग पर्सन बन जाते हैं, हमेशा उनको हेल्प चाहिए। लेकिन अगर हम उनके अंदर ये चीज डेवलप कर देंगे तो वो व्यक्ति खुद अपनी हेल्प कर पाएगा। अगर कोई जॉबलेस है तो आप उसको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, आप उनको रास्ता बता सकते हैं कि वो कैसे अपना लाइवलीहुड जो है उसको सही कर सकते हैं, कैसे वो अपनी आजीविका चला सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको हमेशा खाना देंगे, कपड़ा देंगे, ये सारी चीजें, तो उसको आदत हो जाएगी, वो इंसान आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। तो ये इनका ये एग्जाम में हो सकता है पूछ भी सकता है, तो इसपे आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है। और इनकी एक बुक थी जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे या जो भी हो, तो होम्स ऑफ द लंडन पुअर, 1875 में इन्होंने ये बुक इनकी आई थी। तो ये है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। इसके बाद जो आया था सेटलमेंट हाउस 1984, जो सेटल हाउस मूवमेंट था, इसको जो जो इसके फाउंडर थे, सेटलमेंट हाउस टॉयनबी हॉल जो कि काफी फेमस है, जो फर्स्ट सेटलमेंट हाउस था ये 1984 में आया था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1984 में आया था। सैमुअल बर्नेट ने इसको, ये जो सैमुअल बर्नेट थे वो इसके फाउंडर थे, है ना। ये है टॉयनबी हॉल और यह है सैमुअल बर्नेट। तो इसका जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि लोगों को एजुकेट करना है, ठीक है, और उनको बेनिफिट बताना है चीजें कि कैसे काम करना है,
और मेनली यहाँ पे सिर्फ ये नहीं था कि आप किसी को चैरिटी दे के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये था कि आप कैसे उस व्यक्ति को इस सिचुएशन में कैसे कोप अप करना है, कैसे उसको अपने आप को डेवलप करना है ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके, वो इस गरीबी के चक्र में फंसा ना रहे, सिर्फ वो इससे बाहर आए और अपने लिए कुछ काम करे, अपनी आजीविका के लिए कुछ काम करे, इस पे इन्होंने जोर दिया था। और ये कहते थे कि लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, ना कि उनको सिर्फ सर्विसेज के नाम पे या चैरिटी के नाम पे उन्हें आप चीजें या प्रोडक्ट या सामान, खाना या कपड़े, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इस पे जोर देते थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट सेटलमेंट हाउस कब आया था और इसके फाउंडर कौन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं कि अमेरिका में सोशल वर्क का विकास कैसे हुआ। तो जो एलिजाबेथ पुअर लॉ आया था उसने कहीं ना कहीं, जो अगर हम बात करें अमेरिका के जो डेवलपमेंट का जो एक बैकग्राउंड था वो यही सूट कर आया था, क्योंकि जो ब्रिटेन से जो लोग आए हुए थे अमेरिका में, उन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने यहाँ पे भी वो चीजें लागू की थी जो वहाँ पे उन्होंने यूके में की हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड जो पहला एक आप देख सकते हैं 1624 में वर्जीनिया कॉलोनी एक आई थी, इसका जो मुख्य काम था वो ये था कि जो डिसेबल सोल्जर्स हैं और जो उनके साथ जो लोग हैं जिनको जरूरत है, वो उनके लिए कुछ लॉ बनाए गए थे कि कैसे उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके, क्योंकि एक समय ऐसा था कि उनके लिए कि अभी वो आजीविका अपने घर की कहीं ना कहीं उनसे चल रही थी, तो ऐसे में अगर वो डिसेबल हो जाते हैं तो उनकी देखभाल और बाकी चीजों को करने के लिए कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ऐसे में वर्जीनिया कॉलोनी इंस्टीट्यूट जो थी, इसका जो एक लॉ बनाया गया था वो डिसेबल सोल्जर्स के लिए बनाया गया था। इसके बाद एक जो दूसरा आपका 1642 में हम देखें प्लाइमॉथ कॉलोनी आई थी, एलिजाबेथ पुअर लॉ के ही तर्ज पर इसे बनाया गया था, और इसे कहा जाता है कि ये फर्स्ट सच लेजिस्लेशन इन द न्यू वर्ल्ड है, मतलब ये पहला एक नियम है जो नई दुनिया, मतलब कि जो उस टाइम पे जो विकास हुआ था, जो सारी चीजें हुई थी, जो वर्ल्ड वॉर हुए थे उसके बाद जो सारी समस्या आई थी, तो एक नई दुनिया के तौर पे जो चीजें विकसित हुई, तो उनके लिए जो लॉ बनाया गया था ये उससे मुख्य रूप से था, तो ये उस पे ये बनाया गया था। इसके बाद 1650 में था प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक, जो कि मेनली डिसिप्लिन और इकोनॉमिकल लिविंग जो थी उसको कैसे बढ़िया किया जा सके, क्योंकि जो चीजें हुई थी उस टाइम पे, जो समस्याएं हुई थी उसके कारण बहुत सारी चीजें, जो समस्याएं उत्पन्न होके आई थी, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजें जो थी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो घट चुका था, और बहुत सारी समस्याएं एक साथ आई हुई थी। तो ऐसे में ये जो था एक आपका 1650 में ये प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक जो आया, इसने भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे के स्लाइड में डिस्कस करते हैं अमेरिका में जो सोशल वर्क का विकास हुआ है। इसके बाद 1692 में मैनचेस इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कि होमलेस चिल्ड्रन और जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कि घर और फैमिली की जरूरत है, उनको कैसे ये सारी चीजें पहुंचाई जाए, है ना, और जो गरीब परिवार है उनके बच्चों के लिए कैसे ऐसे मतलब क्या असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके ताकि उनकी केयर और देखभाल हो सके। तो ये 1692 में आपका आया था। इसके बाद आया था 1776 में यूएस ने डिक्लेरेशन किया अपना इंडिपेंडेंस का, तो ये एक नया बदलाव आया था वहां पे उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद 1787 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया था, जिसे प्रमोट द जनरल वेलफेयर और इसके नाम से जाना गया, और ये मेनली समाज कल्याण को एक तरीके से इसने राजनीति के अमेरिका की राजनीति में बदलाव किया इसने। तो
ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद 1813 में चाइल्ड लेबर लॉ आया, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बच्चों के जो जो बच्चे काम करते थे कहीं पे, किसी फैक्ट्री या ऐसी जगहों पे, तो ओनर्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप उस बच्चे को पढ़ने योग्य, मतलब कि वो पढ़ लिख सके, और उसकी जो जो अर्थमेटिक नॉलेज है, मतलब उसको गणित का और बाकी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे अगर वहाँ पे वो काम कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको इस लायक बनाए कि वो पढ़ लिख सके और अपने बेसिक चीज़ें, उसको बेसिक नॉलेज हो। इसके बाद जो तीन सोशल मूवमेंट खास तौर से आए अमेरिका में, पहला था द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट 1877, उसके बाद सेटलमेंट हाउस मूवमेंट 1886, उसके बाद चिल्ड्रन वेलफेयर मूवमेंट 1853 और 1875। तो इसके बारे में हम विस्तार से आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी अमेरिका में ये पहली बार कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये 1877 में आपका स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, 1877 में बफेलो न्यूयॉर्क में, ठीक है। और जो इनके जो संस्थापक थे वो थे हम्फ्रेज गोल्डटिन, जो कि इन्होंने इसका स्टैब्लिश इसको किया था। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में कब स्टैब्लिश हुआ था, तो आप ईयर बता सकते हो कहाँ पे हुआ था, तो बफेलो, बफेलो न्यूयॉर्क में। अगर ऑप्शंस में मान लीजिए ऐसा दिया हो कि बफेलो और न्यूयॉर्क दोनों दिया हुआ है, तो आप बफेलो पे ही टिक करेगा, क्योंकि ऐसा अभी जो 2023 का एग्जाम हुआ है जून का, उसमें ये चीज देखी गई है, ये दोनों चीजें ऑप्शन में थी, और बफेलो जो था वो सबसे नजदीकी आंसर माना जाएगा। अगर बफेलो नहीं होता तब आप न्यूयॉर्क को टिक करेंगे, या सिर्फ न्यूयॉर्क अवेलेबल है तो आप न्यूयॉर्क को टिक करेंगे, अगर दोनों है तो आप बफेलो को ही टिक करिएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखिएगा। और ये इनके संस्थापक थे। और इसकी जो बात करें कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टैब्लिश किया गया था, तो इसका यही था कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके, उनके अंदर ये चीजें डेवलप की जा सके कि वो अपने लिए, खुद के लिए काम कर सके, अपनी जो जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। तो ये सारी चीजें थी। और असिस्टेंस किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये सारी चीजें कौन पता करेगा, तो ये जिम्मेदारी फ्रेंडली विजिटर्स की होती थी, जो कि जाके बातचीत करते थे और मिलते थे उन लोगों से, उसके बाद डिस्कस करके देखते थे कि इसको किसको हेल्प करने की जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, मतलब कि कौन एलिजिबल है उस असिस्टेंस के लिए, ठीक है। और इसका जो मेन एक चीज इस पे ध्यान दी गई थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे साइंटिफिक चैरिटी की बात की गई थी। इनका कहना था कि हमें जो करना है वो इस तरीके से इनेबल करना है चीजों को कि जो पॉवर्टी है या फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको क्योर कर सके, क्योर करने के साथ हम लोगों को हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके जो पुअर है उनके लिए, है ना। और इसमें इस तरीके से ये कहते थे कि अगर साइंस की हम बात करें, कि साइंस अगर जैसे इंजीनियरिंग और मेडिसिन में हम यूज कर रहे हैं, वैसे हम सोशल वेलफेयर में भी वो चीजें यूज करें। सिर्फ हम एक दान की भावना के साथ चैरिटी करना है इसलिए नहीं करना है, सिर्फ लोगों का कल्याण कैसे सही तरीके से किया जा सके, कौन लोग जरूरतमंद है उनको वो चीज कैसे प्रोवाइड की जा सके, ये इस पे इन्होंने फोकस किया था, जो ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। तो ये चीजें थी। इसको आप इसमें याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है आपका, कि कहाँ पर कब हुआ था, किसने किया था, और इसका एम क्या था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद जो दूसरा मूवमेंट है, ये है सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। तो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी शिकागो हल हाउस से। शिकागो हल हाउस जो था उसको जेन एडम्स और एलन गेट्स ने स्टार्ट किया था 1889 में, ठीक है, 1889 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो यूके में जो सेटलमेंट हाउस है और इसका, दोनों का आपको ध्यान में रखना है कि वो कब हुआ था, ये कब हुआ था, ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों को मिला देगा, ये चीज क्लियर थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है। तो जो सेटलमेंट हाउस था, इसका इसका क्यों इनिशिएट किया गया था इसे, तो ये मेनली जो नर्सरी वुमेन थी, वर्किंग वुमेन, और हेल्थ क्लिनिक्स और
क्लासेस, जो डांस की क्लासेस, ड्रामा आर्ट, इन सब चीजों से, स्विंग मतलब कि सिलाई वगैरह सिखाने के लिए यहाँ पे किया गया था। जो लोग, जो मतलब जिनको जरूरत थी स्किल डेवलप करने की, जरूरत थी वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत थी, उनके लिए ये ओपन किया गया था। ठीक है, और इसका जो था ये मेन मूवमेंट था, जो ये कह सकते कॉम्बाइंड था कि सोशल एडवोकेसी और सोशल सर्विसेज का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, किसी को आप चीजें प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो उससे आपका हो जा रहा है। इनका ये था कि लोगों को डेवलप करना है, उनकी स्किल्स को डेवलप करना है, और जिनके लिए, जो खुद की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं या जो एबल नहीं है, उनके लिए आपको एडवोकेसी करनी है। ठीक है, और ये उस टाइम पे जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इमिग्रेशन के कारण, ये उससे उत्पन्न हुए समस्याओं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पे ये काम कर रहे थे एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या क्या चीजें ऑफर सर्विसेज इनकी थी, ये सिटीजनशिप की ट्रेनिंग देते थे, रिक्रिएशन से रिलेटेड जो चीजें थी, डे केयर, एडल्ट एजुकेशन एंड काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें थी यहाँ पे होती थी। इसके अलावा जो सेटलमेंट हाउस के जो लीडर थे, वो बिलीव करते थे कि अगर जो नेबरहुड में जो चेंज होगा, उससे क्या होगा कि जो कम्युनिटीज है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो इन सब चीजों में बदलाव करना है, लोगों के जो रहन सहन है उसको अगर हम बाकी लोगों के साथ मिलकर चेंज कर रहे होंगे, तो वो धीरे धीरे खुद वो डेवलप हो जाएंगे। जब वो अपने आसपास की चीजों को देखेंगे किस तरीके से है, क्या है, उनके अंदर जो चीजें होंगी उस बदलाव से ये अपने अंदर बदलाव कर सकेंगे। और कहा जाता है कि ये जो मूवमेंट था, यही से आपको सोशल वर्क का जो मेथड था, नेमली जैसे कि हम कह सकते हैं ग्रुप वर्क या सोशल एक्शन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, लोगों को जो एजुकेट किया जा रहा है, ग्रुप के साथ जो इनको काम करने का मौका दिया जा रहा है, नेबरहुड के साथ काम किया जा रहा है, जो कि आपको सोशल एक्शन में और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। तो ये एग्जाम के अगर देखे नजरिए से, तो भी ये इम्पोर्टेंट है, और ये जानकारी आपका होना जरूरी है, क्योंकि ये इतिहास, सोशल वर्क के इतिहास को बताता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। शिकागो हॉल हाउस जो था आपका फर्स्ट सेटलमेंट हाउस था अमेरिका में, और जैन एडम्स और एलन गेट्स जो थे इसके को फाउंडर थे, और 1889 में ये आपका स्टेब्लिश हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ जैन एडम्स, एलन गेट्स हैं, और ये शिकागो हॉल हाउस है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट आया था, जो कि चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट जो था, इसमें दो स्टैब्लिश हुए, दो इंस्टीट्यूशन, जैसे चिल्ड्रन एड सोसाइटी जो 1853 में था, और सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन 1875। ये दोनों न्यूयॉर्क में बेसिकली स्टैब्लिश हुए थे, और इनका जो बेसिक एलिमेंट था, मतलब कि जो इनका बेस था, वो ये था कि जो बच्चे हैं उनका कैसे कल्याण किया जा सके, उससे रिलेटेड जो भी मूवमेंट था वो चलाया गया था। और इसको हम 1729 से अगर देखेंगे, तो उस टाइम पर भी उर्सुलीन सिस्टर थी, जिन्होंने एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया था न्यू ऑर्लियंस फॉर चिल्ड्रेन, जो कि मेनली इनके रेस्क्यू और इनके एडुकेट होम्स के लिए, मतलब कि जो बच्चे जैसे सड़क पे घूमते हैं या किसी समस्या में हैं, ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पे उनको नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी, वो इस मूवमेंट के थ्रू और ये जो इंस्टीट्यूशन थे इनके थ्रू ये सारी चीज़ें की जा रही थी। तो ये चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट था आपका। इसके बाद अगर हम बात करें एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें कि प्रोफेशनली कैसे सोशल वर्क यूएसए में डेवलप हुआ, तो सबसे पहले 1895 में शिकागो का जो स्कूल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स था, वहाँ पे हम देख सकते हैं जो मॉडर्न सोशल वर्क था उसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि वहाँ पे कुछ जो लोग पुअर के साथ काम कर रहे थे, गरीबों के साथ काम कर रहे थे, उनको एक डिस्कोर्स जो था वो प्रोवाइड किया जा रहा था, मतलब उनको एक तरीके से लेक्चर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी। तो ये यहाँ से मॉडर्न सोशल वर्क का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और ये एक महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण आप इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में भी, ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है, और आप एक सोशल वर्कर हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप सोशल वर्कर्स का जो जो ये सोशल वर्कर
शब्द जो कॉइन हुआ था वो किसने किया था, तो ये सिमोन पैटर्न थे, उन्होंने किया था 1900 में, ठीक है। और ये सारी चीजें हुई। इसके बाद 1915 में एक चीज देखने को मिली, उसमें थे एक अब्राहम फ्लेक्सनर थे, जिन्होंने ये कहा था कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। उनकी जो रिपोर्ट थी उसका टाइटल था इस सोशल वर्क अ प्रोफेशन, जो कि उन्होंने 1915 में जो मीटिंग हुई थी बाल्टीमोर कॉन्फ्रेंस ऑन चैरिटीज एंड करेक्शन, उसमें उन्होंने इसे कहा था कि ये प्रोफेशन नहीं है क्योंकि इसका कोई अपना रिटन बॉडी नहीं है और एजुकेशनली ये कम्युनिकेबल टेक्निक्स नहीं है इसके अंदर। और इसका कारण इन्होंने बताया था कि इसके जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी चीजें हैं वो अदर डिसिप्लिन से ली जा रही है, तो इसका एक इन्होंने ऐसा कारण दिया हुआ था। इसके बाद 1917 में जो मैरी रिचमंड थी, उन्होंने सोशल वर्क की सबसे पहली किताब सोशल डायग्नोसिस अपनी जो थी वो पब्लिश की थी, और जो कि सिगमंड फ्रायड, जो सिगमंड फ्रायड है उनके काम पर आधारित थी। और इनका मेन यही था कि जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को हमें समझना है, उसके अंदर के अंदरूनी प्रॉब्लम को समझना है, सिर्फ बाहरी चीजों को देखना नहीं है। और हम जब किसी क्लाइंट के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम भी उसके सराउंडिंग्स, उसके फैमिली इन्वायरमेंट और बाकी चीजों के बारे में भी जो उसके आसपास है उसके बारे में भी स्टडी करने की जरूरत है। और इनको सोशल सोशल वर्क का अगर कहें फर्स्ट प्रोफेशनल सोशल वर्कर अमेरिका में, तो वो मैरी रिचमंड ही थी। और इन्होंने जो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी और मेथड दिया था सोशल केस वर्क का, वो अपनी इसी किताब में उन्होंने दी थी, सोशल डायग्नोसिस 1917 में और व्हाट इज सोशल केस वर्क 1922 में, तो ये इन्होंने ही दिया था। उसके बाद 1960 में जो NASW है उसने अपना फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स जो था वो अडॉप्ट किया था। तो ये सारी चीजें थी जो ये हमने आज पढ़ा यूके और यूएसए के सोशल वर्क के बारे में, कि कैसे डेवलपमेंट हुआ सोशल वर्क का प्रोफेशनली, ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली हैं। आगे हम इंडिया में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ सोशल वर्क का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। तो आज हमारा ये पार्ट टू, हमने जो टॉपिक था उसका कवर कर लिया है, और इसके आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।